अपने यहाँ हरियाणा बोलते हैं कि भाई पूत जो है ना, जो पैदा हो बच्चे, तीन दाड़ के वह पूत। एक तो है सपूत, जिसने अच्छा कहा सपूत, वो कौन हो? सपूत होता है जो अपने बुजुर्ग माँ बाप ने जो कमाई करी है उस कमाई में चार पीछे और जोड़ जाए, उसने तो कहा सपूत। एक हो पूत, वो पूत कौन हो? कि जो बड़े बुजुर्ग ने जो कमाई करी है उसने न्यू का न्यू रख दे, वो हो पूत। और तीसरा क्या हुआ? तीसरा हो कपूत। कपूत कौन हो? कि जो कुछ कमा कमाया है बड़े बुजुर्ग ने जो दिया है उसने सारे के सारे ने उसका पंटा धार कर दिया, उसने साफ कर दिया, उसने बेच खुच जाए, वो हो कपूत। या बीजेपी और इसके प्रधानमंत्री, ये इस देश के सबसे बड़े कपूत हैं, इसलिए जो भी सरकारी है सबको सबको बेचने लग रहे हैं। 7 तारीख का क्या प्लान है जी आपका? 7 तारीख को जो है फरवरी को हरियाणा CITU ने फैसला किया कि हरियाणा सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी घेरेबंदी की जाएगी, और इसी तैयारियों में जो है 7 फरवरी को उचाणा में 11 बजे जो नई पुरानी अनाज मंडी है वहां पर बड़ी मजदूरों की लामबंदी होगी, और उसमें हम मुख्य रूप से हरियाणा की सरकार और केंद्र सरकार से जो मांग कर रहे हैं, सबसे पहली मांग तो ये है कि जो मजदूरों को जो गुलाम बनाने वाले कानून केंद्र की सरकार ने पारित किए हैं 4 कोड के रूप में, उनको वो निरस्त करें, और दूसरा वो किसान और खेती को जो उजाड़ने के लिए और जिसको कहते हैं खाद्य सुरक्षा राशन प्रणाली को जो ध्वस्त करेंगे जो ऐसे 3 कानून वो खेती के बारे में हैं उनको भी वो रद्द करें। ये 2 प्रमुख मांग इस आंदोलन के अंदर हमारी होगी। इसके अलावा हम बहुत लंबे टाइम से ये मांग कर रहे हैं कि रोजगार पक्का हो, स्थाई हो, और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी में है, चाहे वो आशा है, चाहे स्कीम वर्कर्स हैं, मिड डे मील है, या फिर गांव के सफाई कर्मचारी हैं, ग्रामीण चौकीदार हैं, वन मजदूर हैं, या सरकारी विभागों में जो भी ठेके के कर्मचारी हैं, उनको तमाम को स्थाई किया जाए, समान काम समान वेतन मिले। और इस महंगाई के ज़माने में जितनी महंगाई बढ़ गई है तो वो न्यूनतम वेतन कम से कम 24,000 हो, इन मांगों को लेकर हम वहाँ जा रहे हैं। साथ ही हम एक बात ये भी कह रहे हैं कि जो जितने भी मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बने हुए हैं उनमें प्रमुख बोर्ड है जो निर्माण मजदूरों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड, उसमें पिछले 1 साल से तरह तरह की शर्तें लगाकर उसको पंगु बना दिया है बीजेपी की सरकार ने, उसमें वेरिफिकेशन का मामला है, इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है अभी, और जो तमाम तरह की सुविधाएं उन पे अघोषित बैन लगा रखा है। तो हमारी ये भी मांग है कि वो बैन हटे, रजिस्ट्रेशन हो, यूनियनों को अधिकार हो वेरिफिकेशन का, और जो भी सुविधाएं हैं वो जारी रहे, ये हम मांग कर रहे हैं। एक मांग और हम इसमें कर रहे हैं वो ये कि जो मनरेगा कानून है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी का कानून है, इस समय पर जो है कोरोना के चलते हुए रोजगार बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, 84% फैमिली जो है प्रभावित हुई इस कोरोना के चलते हुए, तो मनरेगा जो है लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम 200 दिन का रोजगार की गारंटी सरकार करे, और 700 रुपये आज के दिन दिहाड़ी होनी चाहिए मनरेगा के अंदर। इसी प्रकार के से भट्टा मजदूरों के हम मांग करें कि पथेर का रेट जो है महंगाई के हिसाब से 725 रुपये होना चाहिए, और इसके अलावा जो है तमाम असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कानून की गारंटी सरकार करे, और जो बिजली बिल है जो लोगों के ऊपर काफ़ी असर डालेगा, वो जो बिजली बिल जो सरकार लेके आई है 2020 उसको वो वापिस ले, इस तरह की मांगों को लेके हमारा आंदोलन ये है जो 7 फरवरी को और 7 से लेके लगभग 16 फरवरी तक हरियाणा के अलग अलग केंद्रों पर 8 कैबिनेट मंत्रियों की हमारी घेराबंदी होगी। क्या नाम आपका? जय भगवान, महासचिव CITU हरियाणा।